लंबी लंबी मत छोड़, तेरे को उसके ऊपर बहुत घमंड है। अरे तो क्यों नहीं होगा, हर बाप को अपनी औलाद पर घमंड होता है। और मैंने तो एक शेर पैदा किया है, जंगल का राजा। ऐसा तो चल देखते तुझे आज यहाँ से कौन सा रैम्बो बचा के लेके जाता है। ए, बच्चे लोग को और इसको सबको अंदर बंद कर दे। सब रो रहे हैं और तू हंस रहा है। अरे बुद्धू, रोएंगे तो ये लोग जब रैम्बो आएगा। यहाँ रैम्बो आएगा? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। इन सब के लिए तो रैम्बो अकेला ही काफी है। जब रैम्बो को गुस्सा आता है ना, क्या होता है? आंखें चौड़ी, पंजे खुले, फुल स्पीड उछल के वो अपने पंजे मारता है। बुजुर्गों पर हाथ उठे तो पाप होता है, अगर हाथ उठे तो सिर्फ उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उठे, कॉलर पकड़ने के लिए नहीं। मेरी एरिया में आकर तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जानता है कालू भाई की एरिया से कोई जिंदा बच के नहीं जाता है। कालू, मौत का डर जाके उसे दिखाना जो मौत से डरता है। मैं तो सुबह घर से कफन बांध के निकलता हूँ। तू कफन बांध के निकलता है तो मैं भी टीका लगा कर निकलता हूँ। तेरे सर के एक एक बाल नहीं नोच लिए तो इस एरिया का राजा नहीं मैं। तू जैसे बड़े बड़े राजा यहाँ खाक हो गए, तू किस खेत की कच्चा नींबू समझ के आज तुझे छोड़ रहा हूँ। सुधर जा, बड़ों की इज्जत करना सीख, छोटों को प्यार दे, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना शुरू कर, वरना मारा जाएगा। तू किसको भाषण दे रहा है कालू भाई को? मैं जो चाहे करूं, जिसे चाहे मारूं। अरे अरे, मरेगा क्या, चुप करना। मुन्ना, रैम्बो की सीधी बात भेजे में घुसा ले। जब तेरे जैसा पापी इतने पाप करके बददुआएं लेकर इतनी दूर आ सकता है, तो जरा सोच कि मेरे जैसा नेक बंदा इतने लोगों की दुआएं लेकर कौन से लेवल तक जा सकता है। बेटा रैम्बो नहीं।
मैडम। मेरा बेटा सो रहा है, जोर से चिल्लाया ना तो बहुत पीटूंगी तुझे। ए, आलू है, गोभी है, टमाटर है, बैंगन है। पेपर, पेपर, दूध। क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा लो, टेंशन खत्म हो गई। आपका लाडला उठ के नहा भी चुका है। इतनी जल्दी उठ गया? माँ, उसमें क्या हीरे मोती जड़े हैं जो आप सबने उसे सर पे चढ़ा रखा है? मैं भी तो हूँ घर में। माई डियर दुश्मन सिस्टर। ए, माई डियर के बाद ये दुश्मन लगाने का क्या मतलब है, समझाओगे? बड़े बुजुर्गों ने कहा है, दोस्तों को अपने पास रखो और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा पास रखो। यही फंडा अपना के तो मैं सबका वन एंड ओनली फेवरेट बनाऊं। रैम्बो बेटा, रैम्बो ज्यादा बोल के अपना मुंह क्यों दुखा रहा है, चल नाश्ता कर ले। शक्ल इतनी प्यारी है पर हरकतें मोगाम्बो वाली है। आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। आई लव यू मम्मी। लगता है मेरी माँ भूल ही गई है कि उनकी एक बेटी भी है। इसे बाहर कचरे में फेंक के आऊं? मैं ना तुझे मौत। अरे 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 बेटा रुक जा, ये तेरा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। इस घर में मेरी असली कद्र सिर्फ पापा को ही है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, बाय रैम्बो। बाय माँ। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ, बाय। कहाँ? ट्रेन का डिब्बा वहीं जाता है जहाँ इंजन चला जाता है। थोड़ा और खा लेता। हे भगवान, सबका भला करना पर मेरा थोड़ा ज्यादा करना। देख वो आ गया। हाय रैम्बो। धूप क्या है, इन लड़कियों को देखकर लड़के फिसल क्यों जाते हैं? सर डोनेशन। एक्सक्यूज मी सर, सर डोनेशन प्लीज। ऐसा नहीं है। नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ए उधर देखना, वो लड़कियां लोगों से चंदा मांग रही है लेकिन कोई दे नहीं रहा है। मेरे पास होता तो मैं देता ना। किसी की मदद करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक बड़ा दिल भी चाहिए होता है। एक मिनट रुको। सोच रहा हूँ चंदे में अपने कपड़े दे दूं। कौन है बाप? लगता है इसको पटाना पड़ेगा। मैडम इधर आइए। ग्राउंड फ्लोर कब पहुंच गया? हाय अनन्या। अनन्या तेरा तो जवाब ही नहीं। लोग भी कितने उल्लू होते हैं ना? हे, नहीं, लोग उल्लू नहीं होते। फीलिंग्स तो सब में होती हैं। मदद करने की इच्छा भी होती है लेकिन काम के प्रेशर और फैमिली की टेंशन की वजह से वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। वैसे दिल सबका बड़ा होता है, समाज में हर कोई बदलाव लाना चाहता है और हम उन्हें इंस्पायर करेंगे। ये सब छोड़ो, लाओ मेरी ज्वेलरी दो, कल भी हम इसी आइडिया का इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके। क्या हाल है मुस्कान, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? सुपर। हे, छोटे मियाँ के हाल चाल कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स खाओ और दूध में केसर और बादाम डाल के पियो। रोज ढेर सारे फ्रूट्स खाओ, तुम दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, जरूर आऊंगी। अरे बाप रे, क्या हुआ, बैठ ना। बेटा तो समझ ले गया, जितना मरहम लगाया सब चला जाएगा। तू बैठता है, तू एक। गुड इवनिंग सर, बोलिए आपके लिए क्या लाऊं? अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा सा लेके आना। ओके सर।
मुझे तो चढ़ गई यार। बॉस, सॉरी बॉस, वो क्या है ना, मैं आपके लिए गोभी या पनीर या फिर मंचूरियन लाने वाला था, लेकिन वो जो शेफ है ना, वो तो अड़ ही गया, मेरी बात मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं ले आया गर्मा गर्म पनीर टिक्का। ये भी एकदम मस्त है। कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। सुपर है यार। तुम्हें भी बियर पीने का शौक है क्या? ए, पहली बार साथ में पी रहा है क्या? हमने साथ में कितनी बोतलें गट की है, भूल गया तू? जो जो जो। ए, क्या हुआ? ए, कैरेक्टर क्यों ढीला हो गया बे तेरा? ए, पीछा हट। ए, भूत। ए, अभी तेरी वजह से प्यार से मेरा भरोसा उड़ जाता है यार। कहाँ चली गई वो? मुझे क्या पता। हेलो, हम वैसे टाइप के लोग नहीं यार। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाबा सुनना, जिसको देखता हूँ वही दिखती है, जहाँ देखता हूँ वही दिखती है, इसका मतलब क्या है? मतलब तेरे को सॉलिड चढ़ गई है। बाइक है, बाइक में पेट्रोल भी है, फिर भी इसको हाथ गाड़ी का बना के रखा है। अरे तो समझता नहीं है। ठीक है, गाड़ी ठीक है, रख ले रख ले। बेकार में पुलिस के लफड़े में पड़ रहा है। रुक रुक रुक। ए, अपना नाम बता। ये शाहरुख खान और ये आमिर खान है। सच सर, ये दोनों पिकर फुल टाइट है सर। ए इधर आ, क्या रे, तू शाहरुख खान है और ये आमिर खान है? अरे सर, आपको बुरा लग गया क्या? तो आप सलमान खान हो? अबे मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर आप ऋतिक रोशन हो सर? मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। ए, अपनी बाइक इधर छोड़ और पैदल निकाल। सुबह पुलिस स्टेशन आके फाइन भर के बाइक लेके जाना। चल फोट। अपनी गाड़ी को धक्का मारना गलत बात है। पुलिस को देखकर बाइक से उतरकर पैदल चलना गलत है। थोड़ी दूर जाकर बाइक स्टार्ट करके भाग जाओगे। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए लल्ले। तो फिर इतनी रात को इतने शरीफ लोग घर कैसे जाएंगे? ऐसी बात है, डिपार्टमेंट की बाइक है ना, ले जाइए। ये सब पुलिस वाले के साथ अलाउड नहीं है, क्या कर रहे तू? सर उधर देखो, आपकी बाइक पे वो फुर हो गया। सर वो हमारी बाइक लेकर गया, आप क्या करें? टेंशन मत ले बेटा, जब हम आमिर खान की अच्छी खासी धुलाई करेंगे, शाहरुख खान खुद दौड़ा चला आएगा। चले बेटा, चला जाओ। हमारे सर ने भी आज तक ऐसी धांसू एंट्री नहीं मारी। सलाम भाई। नमस्ते सर। डिपार्टमेंट की जब बाइक ले गया था तो बड़ा चौड़ा हो रहा था, अब क्या तेरी हवा निकल गई? डर सर, मुझे बड़े बुजुर्गों से बहुत डर लगता है सर। इसीलिए तो आपने एक बार कहा तो मैं गाड़ी लेकर आ गया। अच्छा सर, मैंने आपकी चाबी लौटा दी है, आप मेरी चाबी लौटाइए। तेरी गाड़ी और तेरी बॉडी दोनों को हम यहाँ जमा कर रहे हैं। ए, सर दंगल के आमिर खान को लेकर आओ। ओके सर। ए बाहर निकल। सर आपने इसे इतनी बुरी तरह मारा? रात भर फटके खाए, पर तेरा पता इसने नहीं बताया। वाह क्या दोस्त है यार। तू मुझसे इतना प्यार करता है। इतना इमोशनल मत हो, इनकी थर्ड डिग्री की वजह से मैं अपना नाम तक भूल गया, तेरा एड्रेस का खाक याद रखता। नाटक कंटिन्यू कर, मेंटेन कर यार, मेंटेन कर। बार बार के मेरा मेंटेनेंस बिगड़ दिया और तू मेंटेन मेंटेन कर रहा है। बस बस पगले। ओए करण अर्जुन, कोर्ट में फाइन भर और बाइक ले जा। सर आप बाइक की चाबी दीजिए, मैं फाइन भर के आता हूँ। अरे डिपार्टमेंट की जीप है ना, उसी में जाओ। सर इसको ये आइडिया मत दो वरना ये हमारी जीप लेकर भाग जाएगा। ए, सर प्लान चेंज करते हैं, साहेब जी है ना, स्पेशल गाड़ी से जाएंगे, जाइए ना सर। ओके थैंक यू सर। मामू कौन सा जुर्म किया है? मर्डर।
डकैती तो फिर रेप गैंग रेप वाओ रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर आज की जनरेशन कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाती हैं और हम हैं कि इन पुरानी टूटी फूटी खंडरों पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इट्स सो बोरिंग माना कि आज की जनरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी आलिशान बिल्डिंग्स बनाती हैं लेकिन पुराने जमाने में बने किले महल हवेली और मंदिरों की तो कुछ बात ही अलग थी और तुझे पता है? ये कौन है पता नहीं यार रेप करके आया है और स्टाइल देखो कैसा मार रहा है ये कितना हैंडसम है यार इसने ऐसा काम क्यों किया मन कर रहा है इसको प्रपोज कर दूं सुंदर इंसान की पहचान उसके दिल से होती है चेहरे से नहीं बाप रे इसे देख के तो कंफर्म हो गया कि ये रेपिस के साथ साथ गुंडा भी छोड़ो है छोड़ो ना हम अपना काम करते ठीक है ए सबको कोर्ट लेकर जाओ ए सर बेड़िया निकालो लोग क्या समझेंगे बेटा जरा इनको पानी पिलाना